बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां बेतिया के नौतन और मझौलिया में आकाशीय कहर ने दो लोगों की जान ले ली। आपको बता दें कि मझौलिया प्रखंड क्षेत्र तथा नौतन प्रखंड क्षेत्र में ठनका गिरने से एक महिला तथा एक पुरुष की मौत हो गई है। मझौलिया थाना क्षेत्र के रतनमाला पंचायत वार्ड नंबर 10 में रुखी देवी जो अपने खेत में कृषि कार्य कर रही थी, उसी दौरान अचानक ठनका गिरने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं नौतन प्रखंड क्षेत्र के मंगलपुर पंचायत वार्ड नंबर 2 में नारायण प्रसाद जो अपने ही खेत में कृषि कार्य कर रहे थे, अचानक ठनका गिरने से वह बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें स्थानीय PHC ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए बेतिया GMCH अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन GMCH अस्पताल पहुंचने के क्रम में उनकी मौत हो गई। GMCH के चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर बेतिया GMCH पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। सर, हमारी माँ अपने खेत में काम कर रही थी, तब तक अचानक में मतलब 12-1 बजे की बात है, उसके बाद में मौसम एक बार ख़राब हो गया। मौसम ख़राब होने के बाद में हमारे घर के बहुत से और परिवार थे वहाँ पर, और लेकिन मौसम ख़राब होने के बाद में कुछ लोग वहाँ से घर चले आए, लेकिन हमारे माँ और 2-4 आदमी और थे उस खेत में और काम कर रहे थे। हमारे माँ जो है उसमें बीज उखाड़ रही थी, अपना रोपनी हो रहा था, उसके बाद में अचानक मतलब कि ऊपर से बिजली तड़का और उसी के शरीर पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। और लोग भी घायल भी हैं, और उसके बाद में जो गांव के अगल बगल के उसी में काम कर रहे थे, उनको थोड़ा सा झटका उटका लगा है वो लोग। अब मेरा भाई भी है उसमें और उन लोगों का इलाज चल रहा है, वो लोग ठीक है। लेकिन क्या नाम होगा? रंजीत राम, चंद्रजीत राम। अपने खेत में काम कर रहे थे तो एक बाइक बिजली का तड़का गिरा, खेत में बेहोश हो गए। उसके बाद हम लोग नौतन लाए, नौतन के बाद रेफर कर दिया बेतिया। बेतिया आने के बाद यहाँ हॉस्पिटल मृत घोषित कर दिया, डॉक्टर लोग मृत घोषित कर दिया, डॉक्टर लोग मृत घोषित कर दिया। कहाँ पर गिरा है? मंगलपुर गाँव में। क्या नाम होगा? उनका नाम है नारायण महतो, प्रहलाद महतो। क्या रिलेशन है? मामा के लड़के हैं, मैं उनका बुआ करता हूँ। मेरा फुफेरा भाई हैं। हाँ, मामा मेरे फुफेरा भाई हैं।